बहुत समय पहले एक गांव हुआ करता था और उस गांव में सुरेश और रमेश नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बहुत अच्छे से रहते थे और हर काम साथ मिलकर करते थे। ऐसे ही एक दिन, सुरेश, क्या हम अब जिंदगी भर ऐसे ही बिना कोई काम किए रहेंगे? हमें कोई काम करना चाहिए अब। सही कह रहा है, हम दूध का व्यापार शुरू करते हैं। शहर जाएंगे तो कम पैसे में अच्छी गाय मिल जाएगी। ये कहते हुए रमेश और सुरेश गाय खरीदने के लिए शहर जाते हैं। आइए भाई साहब, आइए, अच्छी अच्छी गाय है और सान भी है, क्या चाहिए आपको? भाई साहब, हमें दो गायें खरीदने के लिए आए हैं। हमें अच्छे गायें दे दो। हाँ बेटा, दे दूंगा। पैसे लेकर आए हो ना? हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, हम गाय को खरीद कर दूध का व्यापार करना चाहते हैं। आप ही अपने बड़े दिल से हमारी मदद कर दीजिए। अय्या, मैं क्या कर सकता हूँ भला, मुझे भी तो तुम्हारा लगना चाहिए ना। तुम्हारे पास जितने पैसे हैं, उसमें एक ही गाय आएगी, चाहिए तो पैसे देकर ले जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, हम आपकी मदद याद रखेंगे। ये लीजिए पैसे, क्या अब हम गाय लेकर जा सकते हैं? ये कहते हुए सुरेश उस गाय को ले लेता है। सुरेश और रमेश उस गाय को लेकर शहर से निकलते हैं। लौटते वक्त उन्हें रास्ते में एक और गाय नजर आती है। उसे देखकर रमेश, अय्या, इस गाय को काफी चोटें लगी है, पता नहीं किसकी है, जो ऐसे छोड़कर चले गए। देखने पर बहुत कमजोर लग रही है, इसे भी अपने साथ लेकर जाते हैं। चिच चिच चिच, पता नहीं कहां कहां से फिरकर आई है और पता नहीं किस तरह का दूध देगी। और इसके छोटे, अगर इसे अपने साथ लेकर जाए तो ये अपनी गायों को भी ऐसे ही कर देगी, इसीलिए छोड़ दो यहीं इसे। ऐसे मत बोलो भाई, क्या पता ये भी देती हो। वैसे भी इसे ऐसे छोड़कर जाना मुझे पसंद नहीं है, इसे मैं ही लेकर जाऊंगा और मैं ही ख्याल रखूंगा। तुम्हारी मर्जी, लेकिन इस बीमारी अपनी खरीदी हुई गाय को लग गए तो मैं चुप नहीं रहूंगा, इसीलिए मैं अपनी गाय अलग से रखूंगा हमारे घर के पास, मैं जा रहा हूँ। ये कहते हुए सुरेश वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रमेश, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा और पूरा ख्याल रखूंगा। रमेश वहाँ से गाय को लेकर घर चला जाता है। रमेश उस गाय का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। ऐसे कुछ दिन बाद वो गाय ठीक हो जाती है। उसके बाद रमेश एक दिन सुबह सुबह उठकर गाय का दूध निकलने के लिए जाता है। दूध निकलने की कितनी कोशिश करने पर भी दूध नहीं आता। दूध ना आने की वजह से काफी दुखी होता है रमेश। लेकिन अय्या, मुझे लगा था कि ये गाय ठीक होने के बाद दूध देगी, लेकिन जैसे मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। एक और गाय खरीदने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए इस गाय को तो छोड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन जब तक मेरे पास सब्र है तब तक इसका ख्याल रखूंगा। ये कहते हुए अपने घर में चला जाता है। कुछ देर बाद बाहर निकलकर वहाँ पर अच्छे से सफाई करके उस गाय के पीछे टोकरी रखकर चला जाता है। अगले दिन सुबह उठकर देखा तो पीछे उस टोकरी में सोने के जेवर थे। वो देखकर रमेश हैरान हो जाता है। ये क्या है? मैंने तो यहाँ पर काली टोकरी रखा था ना, इसमें सोने का जेवर कहाँ से आ गए? रमेश को कुछ समझ में नहीं आता, कैसे भी करके सच जानना होगा। ये सोचते हुए फिर से वहाँ पर सफाई करके टोकरी रखकर अंदर चला जाता है। चुपके से एक कोने से देखता है, तब उस टोकरी में गोबर की जगह सोने का जेवर गिर रहे थे। वो देखकर रमेश हैरान हो जाता है। ये कोई साधारण गाय नहीं है, बल्कि एक मायावी गाय है।
मेरी मेहनत बेकार नहीं गई है, ऊपर वाला ही इस रूप में मेरी मदद कर रहा है। ये कहते हुए उसे रोज अच्छा खाना डालकर उसकी बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और उन पैसों से सब्जियां का व्यापार करता है। ऐसे कुछ ही दिनों में रमेश बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। बड़ा घर, समझदार पत्नी, रमेश की जिंदगी बहुत सुकून में थी। ये सब देखकर सुरेश, रमेश सिर्फ एक गाय को पालकर इतना बड़ा धनवान कैसे बन गया? कुछ तो गड़बड़ है और वो मुझे पता लगाना है। ये कहते हुए उस दिन रात को सुरेश रमेश के घर जाने का फैसला करता है। सुरेश रमेश के घर जाता है, उस गाय को देखता है और उसके पास जाने की कोशिश करता है। इतने में वहाँ पर रमेश आ जाता है। रमेश वहाँ पर टोकरी रखकर रुक जाता है। ये सुरेश देखता है, तब उस टोकरी में सोने के जेवर डालते हुए गाय को सुरेश देख लेता है। अच्छा, तो ये बात है। कैसे भी करके उस गाय को चुरा कर मेरे घर में रखना होगा, तब मैं भी बड़ा धनवान बन जाऊंगा। रमेश घर आकर उस गाय को देखा तो वो वहाँ पर नहीं थी। घबराकर उसे ढूंढने लगता है, लेकिन कहीं नजर नहीं आती। तब सुरेश के पास जाकर, सुरेश, सुरेश, क्या तुम्हें मेरी गाय कहीं नजर आई थी? नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। अगर तुम्हें कहीं दिखाई दे तो मुझे बताना। ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुरेश उस गाय के पास जाकर टोकरी रखता है, लेकिन वो गाय सोने के जेवर नहीं देती। मैं तुम्हारे ख्याल अच्छे से ही रख रहा हूँ ना, तो मुझे सोने की जेवर क्यों नहीं दे रही हो? ये कहते हुए गुस्से में उस गाय को लकड़ी से पीटता है। ऐसे उस गाय को पीटता ही रहता है, लेकिन वो गाय उसे सोने के जेवर नहीं देती है। उस गुस्से में सुरेश, इसे कितने पीटने पर भी ये मुझे जेवर नहीं देगी, इसीलिए मैं इसे खत्म करके इसके पेट में वो सारे जेवर निकाल लूंगा। ये कहते हुए उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन वो गाय काफी होशियार थी। वो सुरेश के पीछे से आकर उसे अपने सिंगों से मारती है और वहाँ से चली जाती है। सुरेश को सबक सिखाने के लिए वो गाय रोज उसके घर आकर उसके घर के सारे सामान को तोड़ फोड़ कर जाती थी। ऐसे हर रोज हो रहा था। मैंने लालच में आकर इसे मराना चाहता था, अब ये मुझे मेरे ही घर में मुझे एक पल भी सुकून नहीं रहने दे रही है। लालच बहुत बुरी बला है। ये कहते हुए रमेश के पास जाकर सारा सच बताता है। रमेश हंसते हुए, कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, अब तो अकल आ गई होगी तुम्हें।